आपका हमारे YouTube चैनल कश्यप क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 कृषि और मृदा कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा स्पीड से कराएंगे क्वेश्चन और आंसर, जिससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी से हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्राथमिक। मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी फल सब्जियों के कचरे के द्वारा। सॉरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शैवालों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ड्रिप तंत्र। 2 और 4D क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी खरपतवार नाशक। लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चलवासी पशुचारण डी सुमेलित कीजिए। बुंदेलखंड सेकंड रोका मलेशिया, सॉरी बुंदेलखंड का हो जाएगा 3rd, बेवार मलेशिया का हो जाएगा 4th, लदांग ब्राज़ील का हो जाएगा 2nd रोका, और उत्तर पूर्व भारत का हो जाएगा 1st झूम। नेक्स्ट देखिए, टसर मूंगा एरी और कोसा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रेशम की किस्में। नेक्स्ट देखिए, रेशम होता है एक प्रकार का प्रोटीन, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अक्टूबर से दिसंबर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कैचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य है। ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शुष्क क्षेत्रों में। सुमेलित कीजिए, मूंगफली दक्षिण अफ्रीका, मटर यूरोप, पपीता अमेरिका और बाजरा अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पटसन। निम्न में से कौन से पादप रेशे है? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा जूट और कपास दोनों, जूट और कपास दोनों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ों से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है? ताकि भेड़े गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी की सबसे ऊपर की परत काली होती है क्योंकि इसमें होम्स और खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी लाल। निम्न में से कपासी मर्दा किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी काली। लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मरुस्थलीय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अतिचारण से मृदा का निम्नीकरण होता है। जलोढ़ मृदा में लगभग सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती है। लेटराइट मृदा धान की फसल के लिए अच्छी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1st, 2nd और 3rd, 4th गलत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से किसको कृत्रिम ऊन कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी एक्रीलिक।
पश्मीना और अंगोरा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊन की किस्में। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ज्वार की खेती के लिए। सुमेलित कीजिए, बाजरा, राजस्थान, मक्का, आंध्र प्रदेश, कॉफी कर्नाटक, और गेहूँ उत्तर प्रदेश, तो इसके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नासिक। संतरा प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागपुर का। मसालों का घर किसे कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केरल। केसर की खेती होती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर में। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है अनानास के लिए, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार में। स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, सी। आगे देखिए, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, हरी खाद से तात्पर्य लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वृष्टि। निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केंचुआ। सिल्वी कल्चर संबंधित है, वन एवं वन्य उत्पाद, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झूम खेती होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, सी। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गेहूँ। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चना। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कंपोस्ट। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली हरी शैवाल। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, गलत है। एक ही खेती में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये गलत है। इनमें से सही कथन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बंजर हो जाएगी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, बी। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी, सी और डी। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं।
मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से, रिपीट हो चुका क्वेश्चन, भूमि बंजर हो जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको हमारे चैनल के वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।